इंदौर जिले के बेटमा के पास ग्राम पंचायत काली बिल्लो धीरे धीरे अवैध कॉलोनियों का गढ़ बनता जा रहा है, जहां प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कॉलोनियों के कटने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रॉपर्टी डीलर सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। कॉलोनाइजर लोगों को कॉलोनी में अच्छी सुविधा मिलने का दावा कर उन्हें लुभाने में लगे हैं। वहीं इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी सुर ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही पहले से कटी कॉलोनियों में भी धड़ल्ले से मकान निर्माण का काम किया जा रहा है। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के सख्त रवैये के बाद भी स्थानीय प्रशासन इन अवैध कॉलोनी प्रनजरों के खिलाफ कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है। अवैध कॉलोनियों में प्लाट भले ही सस्ते दाम में मिल जाते हों, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाओं और अन्य काम को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विधायक विशाल जगदीश पटेल ने विधानसभा में भी अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया। वहीं प्रशासन ने 5 अवैध कॉलोनियों की सूची बनाई है। जो कि अवैध रूप से विकसित की जा रही हैं, ऐसा सुनने में आया है कि छोटे छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री करा ली है और मौके पर अभी जो है कि ना ही डाइवर्जन है उस जमीन का और ना ही कोई विकास नीति वगैरह कुछ भी है और मौके पर जमीन खाली पड़ी हुई है। तो इस संदर्भ में जो है एक प्रकरण भी बना के पूर्व में भेजा जा चुका है एक अवैध कॉलोनी का, और अभी 4 कॉलोनी जो है या फिर 4 ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो है भूखंड विक्रय किए जा रहे हैं, उनका प्रस्ताव शीघ्र ही जो है हमारी रिपोर्ट लेकर और कृषि विभाग को भेजा जाए। सर नाम उनके? उनके नाम एक तो सर्वे नंबर जो है 91 मजहर खां के नाम से है, ये एक निसार खां के नाम से और योगेंद्र सिंह के नाम से। ये 3 अभी ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि इन 3 जो है नाम से रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और छोटे छोटे भूखंडों को विक्रय किया जा रहा है। सर इन पर कॉलोनाइजर एक्ट के तहत एक्टिंग साहब को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा हमारे यहाँ से और जो भी विधि अनुसार इसमें कार्रवाई होगी वो श्रीमान विरोध में 4-5 ऐसी